नमस्कार ओडिया बहु रोसई को आपन को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपन मान को पई नेकी आसी जन्हे आलू बेसर रो तरकारी जहा खाइबा को बहुत ही टेस्ट लागी थाए। आ ओहा पखाळ हो गरम हो रोटी हो परडा हो सबु थरे खाइले बहुत ही मजा लागी थाए। तो छोटो हो तो बड़ो हो तो समस्त खाइबा को बहुत पसंद करंदी। ताले आज ओडिया बहु ता स्टाइल ले बनै छी जन्हे आलू बेसर तरकारी। ताले चालन तो देखिनबा। तो प्रथम एमती क्यूब साइज रे मु जन्ही आउ एटी दुईटी आलू को भल भाव काटिकी मिसेकी रखी आउ जन्ही एटी मु 250 ग्राम नहीं थी आउ बड़ बड़ दुईटी आलू नहीं थी। तो जन्ही बेसर बनवाप यही सब जिनस को मुझे काटिकी रखी जमी रसुण पिज धनिया पत्र कंचा लंका आउ टमाटो आउ गोटे बढ़िया मसला आम एपाई करवा से मुझे दौची 2 चमच बेसर आउ आपण मानने बेसर मानने सोरस बेसर कहीदी सरी सोरस ने 2 चमच गोटे चामच आप जीरा देते ना 1.5 चमच आप जीरा दिंतु आपड़ जी क्वांटिटी बनाऊन से अनुसार आप बेसर प्रस्तुत करेंगे। तापर मुझे 2 शुखला लंका छोट छोट दे आउप ये देखते मुझे कंचा लंका दूसरी जहाद्वारा कि फ्लेवर आम बहुत बढ़िया आसपुर ये 15 रु 20 कला रसुण तापर टिके पानी देदे आम भल भाव ब्लेंड कर ना पूरा चिकन कर बाटे जमा भी खदड़िया रखे ना जदि आप मसलाटा बाटुचार मसला को छाणी पारे जेहतु आम कला सोरस यूज करे तो छाणिकी यूज कले एसीडिटर प्रोब्लेम कम हम ना धला सोरस नहीं पारे। तापर आम बसईद गोटे कड़े आउ कड़े को भल भाव गरम हाबाक दबा आठ मुझे यूज करोरस तेल आउ बेसर तरकारी सोरस तेल यूज कले बहुत ही टेस्ट लगी था। तो एम बेस तेल आम मानते लगे ना देखते मात्र मुझे गोटे टेबुल स्पून तेल नहीं तरकारीटा रेडी हो बहुत टेस्ट लगे। तो तेल को आम टे भल भाव गरम हवा को दबा तापर एटी टिके नाकु सोरिष पकई आउ टिके नाकु जीरा पकोची आउ आपण चाहिले एटी कळा जीरा रो भी मध्ये यूज कर परिबे। तापर गोटे सुखिला लंका मटी फुटेची आउ तापर गोटे कंचा लंका मध्ये मटी देची जोटा कि नाली पड़ जाइथिला। तापर देची गोटे मीडियम साइज पियाज जोटा कि आम बहुत भल भाव पिंक हेला पर्यंत भाजीबा आउ बेसी भाजीबेनी पूरा माने ब्राउन हेला पर्यंत भाजीबा दरकार नै आपण जस्ट पिंक कलर हेला पर्यंत भाजी नियंतु आउ सेतिकि ही भाजिले आमर माने बहुत बढ़िया फ्लेवर आसता है यही आमर बेसर तरकारी रे। तापर आम जो काटिक रखी थे जह्नि आलू को आम येद एक सागर धोईकी मुझे छाणी रखी थी तो देदेपर आम आपको 60 to 70% कुक है पर्यटन भल भाव भाजवा जमीक आम आलू आ जह्नि भल भाव सीझीज आठ देखूँ जह्नि आलू को मुझे किपर काटी यही सैज्रे काटिकी ने आमर जिते बड़े तरकारीटा प्रस्तुत हम बेसी आमर मिसबनी घाटी हेनी गोटा गोटा हो रोपर ये गोटे बड़ सैज्र टमाटर आ टमाटर आप पिज भाजला परे मध्य दे पारे कि एबे दबार कारण जमीक धीरे धीरे आम आलू आउ जहटा सीझे से ही समय टमाटर भी सीझीज आउप ये मुझे लुण दे हलदी भल कलर आठ आम यू जिन सब देखिए भल भाव आम 60 to 70% भल भाव भाजी ने बा। तो जह्नि आलू को भाजिकी घोड़ेकी रखी दी तो एबे देखु एथर पूरा पानी बाहर आउ जह्नि आम पानी बाहरते आईथे ही आलू जह्नि आम सब भल भाव सीझी जाइए टमाटर भी सीझी जाइए देखो ये मोर 60 to 70% पूरा सीझी गला आउ एमती हालाका टिके भाजी आसला बेलू सीझी आसला बेलू को आपड़ गोटे काम करेंगे जो बेसर मसला आम बाटिक रखते आम ये देदे आउ टे पा मिसिकी भी देदेवे टे पाया पाया करके देखिए बेसर मसलाटा आउपर आम यही मसला देक भल भाव भाजवा आठ देखिए मुझे ना काश्मीरी लंका गुंड भल कलर पर आपड़ चाहिए नर्माल लंका गुंड भी देपारे जेहतु आम लंका फुटेचे बाटीचे तो ये से मुझे काश्मीरी लंका गुंड यूज करमी बेस राग हेनी आउ यही तरकारी बहुत टेस्ट लगी था थे आप ट्राए करके देखते जब ट्राए करना आई आम पूरा मसलाटा कषि पर्यटन मसला को टे कषा जमीक पानी टी आम मरीज तो मुझे घोड़े घोड़े मसला को भल भाव कषि ने तो ये 2 मिनिट पर देखो मसलू पा पूरा मरी जाइए आउ भल भाव जह्नि आलू कषि ही आसला देखो पा सब जाक सुखी आ तो यही समय ही आपड़ देते टिके नाकू गरम पा जहाद्वारा कि आमर जहाँ एक्सट्रा थिला माने सीझापी मसला सीझीज आउ भल भाव जह्नि आलू सीझीज आउ बढ़िया भाव में जुगजुकिया होगी आम तरकारीटा रेडी हम। तो टिके नाकु लास्ट को पानी निहाती भावे देवे पानी दे आउ जदि आप पानी नदेबे ना आमर मसलाटा कंचाळिया लागिवो तेणुक मुझे देखते गोटे कप पूरा गरम पानी नहीं थी तो से मुझे अधा कप दे आम भल भाव मिसेद आ मिसे देखिए आम लो फ्लेम पूरा घोड़े आम छाड़ी दबा
तो ये देखो पानी दे देदेगी और पानी भी फुटवा स्टार्ट है तो आम एवं यहाँ घोड़े दबा लो फ्लेम रे छाड़ दबा तो 10 मिनट पर मुझे लो फ्लेम रे छाड़ी दे थी तो एवं देखो मोर जहनी आलू बेसर तरकटा पूरा रेडी पूरा जुगजुकिया टाइप रही जाइए तो यही समय ही आम गैस को बंद कर ना आमर यही तरकटा टिके बसी जाए थंडा है तेणुक यही समय ही बंद करेंगे मुझे धनिया पत्र देदे और धनिया पत्र फ्लेवर बेसर तरक बहुत भल आए तो निहाती भाव देते ना स्कीप करेंगे किसी असुविधा ना तो थे बने की खाँ तो देखिए बहुत ही बढ़िया लगे तो आम रेडी तो मुझे सब वे कहे तरकारी को स्टैंडर्ड टाइम देवे तो ये मुझे ना छाड़ी देवी 5-10 मिनट मुझे सर्व करी आखिर ये 10 मिनट हो जाता तो आपको जहनी आलू बेसर तरकारी सर्व करके देखा देखो के सुंदर होटा आम रुटी हो भात हो परा हो सबुति बहुत बढ़िया लगी था आ छुआ टू बड़ मैंने समस्त खावाक पसंद करती तो निहाती भाव आपड़ी आपको ट्राए करना ट्राए करके देखते आपको निहाती पसंद आसवे केमती लगेगा भिडियोटी मत निहाती भाव जनइबे जदि भिडियोटी भल लगी भिडियो गोटे लाइक करेंगे सेयार करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने और सैड्रे जो बेल आइकन आल नोटिफिकेशन को ही दबे जहाद्वारा आपण मैंने मोर एमती भल भल भिडर नोटिफिकेशन पारे आमर इनस्टाग्राम आईडी फेसबुक पेज को निहाती भाव फॉलो करनी तो से आपण मानी बहुत ही बढ़िया बढ़िया पोस्ट करता है आ मोर अलग चैनल श्रेयांसी कलेक्शन को मध्य सब्सक्राइब करने और तार पेजेस को मध्य फॉलो करने से आपण मानी डेली वीडियो नहीं आसता है बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो नहीं आसता है तो निहाती भाव ताकू सब्सक्राइब करने तो आग को मुझे आपंती बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसीपी नहीं आसबी तो आज इतनी बाय बाय।